क्या गाइस, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो चुका है और उसके बदले आपको और एक नया एटीएम कार्ड मिल भी चुका है और आप सोच रहे हैं कि उस एटीएम कार्ड को कैसे एक्टिव करना है या कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइस, बहुत आसान प्रोसेस है जो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए गाइस आपको एटीएम मशीन पर जाना है और खुद से पिन जनरेट करना है। हेलो गाइस, मैं हूँ प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश 25 टेक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम आ गए एटीएम पर और एटीएम पर कार्ड डालने के बाद आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और बंगाली का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना है जिसमें आप समझ सकते हो भाषा को। उसके बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको 2 डिजिट्स का नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर आपको कहा जाता है आपका पिन नंबर डालिए। तो गाइस, हमें तो पिन नंबर पता नहीं है, हमें पिन नंबर क्रिएट करना है। इसके लिए आपको पिन जनरेशन पर क्लिक करना है। पिन जनरेशन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर अकाउंट का नंबर डालने को कहा जाता है। सो आपको यहाँ पर अकाउंट का नंबर डालना है। डालने के बाद प्रेस इप करेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 10 डिजिट्स का फ़ोन नंबर डालना है जो आपके अकाउंट नंबर से लिंक किया हुआ है, उस नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर प्रेस इप करेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों आपका ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक मैसेज भेजा जाएगा उस नंबर पर, जिसमें आपको पिन नंबर मिलेगा NINETHRE ऐसे करके गाइस पिन नंबर मिलेगा स्पेलिंग के साथ, जिसका वैलिडिटी 24 आवर तक ही रहेगा। सो गाइस, इसे आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद गाइस आपको फिर से एटीएम कार्ड को एटीएम पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको फिर से लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से 2 डिजिट का नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद गाइस आपको फिर से पिन एंटर करने को कहा जाएगा, जहाँ पर आपको ये वाला जो मैसेज आपको भेजा गया था, यहाँ पर जो 9933 वाला स्पेलिंग के साथ पिन दिया हुआ है, ये वाला पिन गाइस आपको यहाँ पर डालना है। और गाइस आपको ऐसा करके कोई भी पिन सेंड किया जा सकता है जो आपको डालना है। डालने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइस आपको यहाँ पर बैंकिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पिन चेंज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन। गाइस आपको यहाँ पर नया अपने जो सोच रखा है वो वाला पिन आपको यहाँ पर डालना है, मतलब नया वाला पिन आपको डालना है। सो यहाँ पर आपको 2 बार इसे डालना है इस पिन को गाइस। 2 बार पिन डालने के बाद गाइस आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से आप गाइस अपना एटीएम कार्ड और पिन नंबर यूज़ कर सकते हो। आई होप वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल रहा होगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल पर गाना आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।